असलकम स्टूडेंट्स बैक इन 1990s जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया तो एक बहुत शानदार रिसेप्शन इसको मिला सब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था आखिर बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए जो प्रॉफिट आप कमाते हैं उसको सोशल सर्विसेज के लिए लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए इससे अच्छा कम्बिनेशन क्या हो सकता है सो एवरी वन वॉज लाइक ऑल प्रेज हर कोई तारीफ कर रहा था हर कोई उसकी खूबियाँ गिनवा रहा था हर कोई सक्सेस स्टोरीज छाप रहा था बहुत कम लोगों ने इनफैक्ट दे डेयर टू लुक एट अदर साइड ऑफ द पिक्चर तस्वीर की दूसरी साइड जो है वो डार्क थी वो उतनी ब्राइट उतनी खूबसूरत उतनी अच्छी नहीं थी जितना के मार्केट में नजर आ रहा था कि जी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको सोशल सर्विसेज के लिए माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस सेशन में हम देखेंगे कि ये डार्क साइड या दूसरी साइड जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो क्या था वो लोग जिन्होंने बहुत इनिशियल लेवल पे बहुत अर्ली स्टेजेस में इस इशू पर रिसर्च की कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनमें से दो रिसर्चर्स डेंसल विलियम्स और कादमावे के नाइफ के नाम से जमैका में गैंग्स की स्टडी कर रहे थे उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि जमैका में जो गैंग्स हैं वो वायलेंस को एज अ बिजनेस इस्तेमाल करते हैं और उससे जो उनको प्रॉफिट आता है वो उसको लोगों को सोशल सर्विसेज खासतौर पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको लोग सोशल का नाम दे रहे हैं विलियम्स और के नाइफ ने क्वेश्चन उठाया उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या यह भी सोशल एंटरप्राइज है ठीक है जो वो कर रहे हैं उसके नतीजे में वो लोगों को हाउसिंग जैसी जरूरी सर्विस दे रहे हैं लेकिन जिस तरीके से वो उसको कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बिजनेस जो इनजिटीमेट मीन्स जैसे कि वायलेंस को इस्तेमाल करके फंड्स जनरेट करते हैं और उसे सोशल सर्विस के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो एंटरप्राइज सोशल एंटरप्राइज जो लेजिटिमेट तरीके से फंड्स जनरेट करते हैं लोगों को सोशल सर्विसेज देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं दोनों में लाइन जो है वो ब्लर हो रही है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है इसका नुकसान है इसका सोशल एंटरप्रन्यरशिप के ल्ड को नुकसान है नुकसान क्या था कि गैंग्स जो वायलेंस को यूज करके सोशल सर्विस दे रहे थे वो अल्ट्रोस्टिक नहीं थी उसका मकसद ये नहीं था कि जमायिका में जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाए जब वो लोगों को हाउसिंग देते थे तो फिर वो लोगों को कंट्रोल करते थे लोकल पॉलिटिशियंस जो उन गैंग्स के पीछे थे या वो गैंग्स जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते थे इलेक्शंस वगैरह में वो फिर वोट्स को कंट्रोल करते थे वो फिर जब गैंग्स को पुलिस से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डर होता था तो वो उस हाउसिंग को अपनी पनागाहों के तौर पे इस्तेमाल करते थे और ये सारा एक विश सर्कल बन गया था बाकायदा लोग जो हैं वो एक तरह से अबलाइज फील कर रहे थे कि उनको हाउसिंग जो है वो उन्होंने दी है उनको सपोर्ट करते थे दूसरी तरफ वो गैर कानूनी काम कर रहे थे और ये गैर कानूनी कामों का एक सिलसिला चल निकला था सोशल एंटरप्रनोरशिप के नाम पर और जमैका जो है ये कोई वाद एग्ज़ाम्पल नहीं थी जब ये रिसर्च जो है ये थोड़ा सा विलियम्स और केनाइफ़ की रिसर्च के बाद और लोगों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पर रिसर्च की तो पता चला ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कानूनी हैसियत या लजिटमेसी जो है वो मशकूक है उसमें गैंग्स थे उसमें ड्रग कार्टल्स थे उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डेट परचेज करती थी और ये सूरत हाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई जब देखा गया कि ऐसी ऑर्गनइजेशन की कंसनट्रेसन जो है वो डिवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है वो माशरे जहाँ पर पॉवर्टी है जहाँ पर इकनॉमिक ग्रोथ कम है जहाँ पर एम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जहाँ पर सोशल डिसलोकेशन है कि लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी और अपने कनेक्शंस जो हैं वो लूज़ कर देते हैं तो उन उनों में इस तरह की जो के इंटरप्राइज़ जो कि मशकूक से थे उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन सर्विसेज़ हाउसिंग इस तरह की सर्विसेज़ देते थे लेकिन उनके मकासद ऑल्ट्रोस्टिक या लोगों की ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिव सोशल इम्पेक्ट लाना नहीं था उनके अपने अल्टीरियर मोटिव्स थे कुछ उनके अपने मकासद थे आहस्ता आस्ता ये रिसर्च जो है वो जब कंपाइल होना शुरू हुई तो बाकायदा एक डार्क साइड थेरीज का टॉपिक जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इंट्रोड्यूस हुआ इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि स्टूडेंट्स स्कॉलर्स रिसर्चर्स और सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो पोटेंशली ट्रेंड हो रहे हैं वो जो मिथ ऑफ इम्पेक्ट है उसके बियॉन्ड देख सकें वो ज़्यादा केयरफुली डिफ़ाइन कर सकें कि किस ऑर्गेनाइजेशन को किस वेंचर को सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे डिफाइन करना है और किसको नहीं और ये जो इम्पेक्ट है उससे क्या मुराद है एक सर्विस दे दी गई इज़ दैट इम्पेक्ट या वो सर्विस देने के मीन्स और प्रोसेस क्या था उसको भी जांचना ज़रूरी है कि वो कानूनी था गैर कानूनी था उससे जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टूडेंट्स सीखेंगे जब उनको डार्क साइड थेरीज या डार्क साइड जो है ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आगाह किया जाएगा तो वो ज्यादा केयरफुली एनालाइज कर सकेंगे साथ साथ एक और फिनमिना जो हुआ वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन जिनको पहले सक्सेस स्टोरीज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे लिया जाता था अब स्टूडेंट्स उनको डिफरेंटली एनालाइज करते हैं अब वो देखते हैं कि उनकी लजिटमेसी क्या है उनकी कानूनी हैसियत क्या है जो काम वो करते हैं वो उस मुल्क के उस माशरे के कवानीन के मुताबिक कहाँ स्टैंड करता है उसके लिए वो प्रोसेसेस क्या इख्तियार करते हैं और फिर जो वो सर्विस देते हैं उसके लोगों पर और बाकी के माशरे पर और ओवरऑल जो इम्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं इन चीज़ों को एक नई नज़र से अब स्टूडेंट्स जो है वो देख सकता है एग्जामिन कर सकता है आपके कोर्स मटेरियल में मैंने एक केस स्टडी जो है वो मेंशन की है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया है रोलिंग जुबली के नाम से कभी आपको टाइम मिले तो इसके वेबसाइट पे जाइए इसके बारे में पढ़िए आपको समझ आ जाएगी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर उसकी लेजिटिमेसी उसके काम का कार पॉजिटिव नेगेटिव कानूनी कानूनी और दरमियान में वो जो एक ब्लर्ड एरिया होता है ग्रे एरिया उसमें आ सकता है उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं और उसको डिफाइन करना मुश्किल हो सकता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर थैंक यू